राघव जी ने दावा किया कि चन्नी नाल यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी कांग्रेस कर रही है, खास मौके से गलबात करते हैं, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस ने सारे बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट दी, बड़े बड़े नेताओं के बेटों को, भतीजों को, दामादों को, यहाँ तक कि नवजोत सिंह सिद्धू के अपने भतीजे को टिकट दे दी, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने अपने सगे अपने भाई के लिए बसी पठाने से टिकट मांगी, उनको नहीं दी। उनके साथ गलत किया कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस दलितों का इस्तेमाल करती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया और उन्होंने चन्नी साहब के साथ यूज एंड थ्रो रणनीति की तरह काम किया। तो उन्होंने कहा कि तुम कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हो, कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ बहुत आग उगल दी है, जो भी कोई पीसी कर दी है। हम कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं कि ये कांग्रेस की दलित विरोधी सोच है। चन्नी साहब को जब इस्तेमाल करना था, वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी थी तो सीएम बना दिया, और अब सबके रिश्तेदारों को टिकट दे दी, ब्रह्म मोहिंद्रा साहब के बेटे से लेकर झाकर साहब के भतीजे तक, लेकिन चन्नी साहब के सगे भाई को टिकट नहीं दी। ये कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता दिखाता है। घटना हुई है मां काली मंदिर, चलो किस नजरिए ना देख दो, वोटर के नजदीक आके कोई शरारती आंसर हो सकता है या किसी पार्टी का? वोटा के नजदीक जाके हमेशा पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिशें होती हैं। पहले श्री हरिमंदर साहब में बेअदबी की कोशिश हुई, लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट हुआ, अब कल पटियाले की श्री काली माता मंदिर में बेअदबी करने की कोशिश करी गई। पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। पंजाब के लोग एकजुट होकर भाईचारे से रहेंगे। ये लोग जो साजिश करता है, जो ताकतें हैं पंजाब को तोड़ना चाहती हैं, वो कभी भी सफल नहीं होंगे। तो देखे कि राघव चड्ढा जिन्होंने कहा कि बेअदबी के मामले वोटर के नेड़े आके होंगे ने, बहुत माड़ी गल है। जो पटियाले घटना हुई माता काली के मंदिर, तो भी कमेंट्स में विचार साझे कर सो इस बारे, तो यह भी दस दो कि चरणजीत चन्नी वाकई जी कांग्रेस है वो यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी इस्तेमाल कर रही है। बने रहो तेज पंजाब न्यूज़ नाल।